गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। देखो आज मैं एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि सिंपल टाइम का सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ओके? देखो सिंपली तो आप किया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो मैं पहली क्लास में बताया था, लेकिन आज आपको ऐसे करना है जिसमें कैरी रहता है या फिर बोरो लेना पड़ता है, ओके? देखो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको एडिशन करना है आवर्स, ये आवर्स मिनट्स टोटल आवर्स में किया जाता है। तो इसको जस्ट एडिशन करोगे तो कैसे निकलेगा देख लो। सो स्टूडेंट्स आवर्स के सीधा आवर्स लिख दो। आफ्टर दैट देखो 5 + 5 क्या होता है 10, 10 का 0। देखो ये दोनों को पहले एडिशन करो, 5 + 5 10 0 कैरी 1, 3 + 5 क्या होता है 3 + 5 8 + 1 9 हो जाता है स्टूडेंट्स, है ना? तो 90 आवर्स तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसको डायरेक्टली एडिशन करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा 90 आवर्स, और इधर 7 + 8 1 8 और 1 का 1, देखो 1890 आवर्स हो गया। अगर स्टूडेंट्स 90 आवर्स हो सकता है 1890 आवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको पता है मिनट की घर में 60 से नीचे होना चाहिए, 59 तक हो सकता है। जब ही ये 60 हो जाएगा, अबव 60 हो जाएगा, तो 60 के लिए 1 आवर्स ज़्यादा हो जाता है। सो स्टूडेंट ये क्या है 90 मतलब क्या होता है 60 + 30, ये भी मिनट है ये भी मिनट है। सो स्टूडेंट 30 मिनट तो सही है, लेकिन 60 मिनट मतलब ओवर ऑफ 60 जो हो गया, ये ऑब्वियसली मतलब एड कैरी होकर आवर्स में ऐड हो जाता है, ओके? देखो ये 90 मिनट्स है, मतलब 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट, तो ये 30 मिनट्स इधर रह जाएगा। ये जो 60 मिनट है, 60 मिनट मतलब 1 आवर्स, ये 1 आवर कैरी होके आवर्स में ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या मिलेगा आपको 30 इधर आवर्स, जैसे इसका अल्टीमेट आंसर होगा 30 और इधर 18 है 19 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 आवर्स इसके साथ ऐड हो गया, और ये जो 90 था 90 इधर नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि इधर 19 लिख दोगे तो ये 60 से ज़्यादा है, एवरी 60 के लिए 1 मिनट, एवरी 60 मिनट के लिए 1 आवर्स हो जाता है, जो आवर्स की घर में ऐड हो जाता है कैरी की हिसाब से। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, अगर ये 59 तक होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इधर प्रॉब्लम इसीलिए है कि ये 60 से ओवर हो गया। 60 से जब भी ओवर हो जाता है तो 60 से जितना ओवर है ये इतना इधर ये रह जाएगा, और 60 मिनट के लिए इधर 1 ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि थ्री 45 और 2 25, ये एडिशन करना है, इधर आवर्स इधर भी आवर्स। तो एडिशन करने के टाइम में आपको क्या, दोनों का एडिशन करके क्या मिलता है, पहले पास में एडिशन कर लो। देखो 45 और 25 क्या मिलता है 5 + 5 0 मतलब 10 का 0 कैरी 1, 4 + 2 6, 6 + कैरी 1 7, 70 होता है। 70 मतलब 60 + 10, तो ये जो 70 है, 70 क्या होता है, इसको ऐसे दो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे 60 + 10, 60 क्यों लिखा, क्योंकि 60 मिनट, एवरी 60 मिनट इज 1 आवर, तो इसलिए 60 मिनट प्लस कितना एक्स्ट्रा मिनट हुआ, ये जो एक्स्ट्रा मिनट है ये इधर रहेगा, देखो 10 तो इधर ये रहेगा, और ये 60 मिनट के लिए 1 आवर्स इधर ऐड हो जाएगा। मतलब क्या होता है 2 + 3 क्या होता है 5 + ये 60 मिनट एक्स्ट्रा जो है इसके लिए 1 ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 5,
5 + 1 = 6, तो ये आ गया आपका अल्टीमेट आंसर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऐसे ही अब जब माइनस करोगे, सिंपल माइनस तो आपको पता ही है, लेकिन अब जब माइनस करोगे जिसमें बोरो आता है, तो सेम टू सेम देखो, जैसे 12 आवर्स, इसमें माइनस करना है 6 = 45 आवर्स। ओके, देखो स्टूडेंट्स, 5 मिनट से 45 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? आपको पता है माइनस ऑलवेज बड़ा नंबर से छोटा नंबर होता है ना? तो क्या करना चाहिए, ये माइनस नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमको आवर्स की जो घर है, ये दो पार्ट है, ये आवर्स की घर है, ये मिनट का टोटल, हम ऐसे एक्सप्रेशन करेंगे तो आवर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइनस नहीं हो सकता है तो हमको क्या करना चाहिए, बोरो करना चाहिए, उधार लेना है। बोरो का किससे? आवर्स। देखो स्टूडेंट्स, हम इधर आवर्स से, मतलब 12 आवर इधर तो था, इधर से हम 1 बोरो किया, मतलब इससे उधार लिया, 1 मतलब 1 आवर लिया, मतलब 60 मिनट ले लिया, है ना? तो 60 मिनट इधर से लिया, इधर 5 मिनट था तो 60 मिनट और भी ले लिया, तो टोटल कितना मिनट हुआ, 60 + 5 = 65 मिनट हो गया, 65 मिनट हो गया। तो स्टूडेंट्स, अभी 65 मिनट से ये इजीली माइनस हो सकता है, तो देखो 65 और 45 से माइनस करो कितना होता है, 5 - 5 = 0, 6 - 4 = 2, तो 20 मिनट हो गया। तो स्टूडेंट्स, इधर लिखोगे 20, ये जो यूनिट था लिख दोगे आफ्टर कोलोन, ये देखो इधर से 12 से 1 ले लिया, मतलब किसी ने, आपके पास 3 चॉकलेट है, 1 ले लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। वैसे ही आपके पास 12 आवर है, 12 आवर से 1 ले लिया तो क्या बचेगा, इधर 1 कम हो जाएगा, मतलब 11 बचेगा, तो इधर 11 आवर्स हो जाएगा। तो 11 से 6 ऑब्वियसली माइनस करते हो, कर सकते हो, जैसे 11 से 6 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, तो 6 आफ्टर 11 तक काउंट कर लो, 6 आफ्टर 7 8 9 10 11 कितना मिला, 5। तो स्टूडेंट्स, राइट हियर 5। तो ये हो गया अल्टीमेट आंसर। ऐसे माइनस के टाइम में ये याद रखना है कि ये जो मिनट्स है छोटा है या बड़ा है, अगर छोटा है तो आपको उधार लेना है या बोरो करना है इधर से आवर से, अगर बड़ा है तो उधार लेने का कोई जरूरत नहीं, सिंपल माइनस करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? लेकिन ये चीज याद रखना है कि इधर 1 आवर लिया, मतलब 60 मिनट क्यों आया, क्योंकि हमको इसका रिलेशन पता है आवर के साथ मिनट, 1 आवर = 60 मिनट होता है, ये तो रिलेशन है। तो अगर इधर 1 आवर लोगे तो 60 मिनट आ जाएगा, यही है इसका रिलेशन। तो इधर 1 लिया मतलब 60 मिनट ले लिया, ऐसा ये आपको ध्यान में रखना है जब आप ऐसी कंडीशन आएगा, ऐसे माइनस करोगे प्लस करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट क्लियरली एंड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, वेयर यू नॉट अंडरस्टैंड यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू।